हाँ भैया, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ऑल ऑफ यू इन अ न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत स्पेशल है फॉर अस। सो बेसिकली टुडे वी वांट टू डिस्क्लोज दैट वी हैव बॉट आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी। जमा, हाउ डू यू फील? वेरी गुड। तो ये कब से चला रहा प्रोसेस? इट्स बीन 6 months, लेकिन ऑब्वियसली यू नो आज जाके फाइनल हुआ है एंड वी आर गेटिंग आवर हाउस कीज टुडे। तो हम सब आज जा रहे हैं। अच्छा, वेयर आर यू गोइंग, बताओ? आर यू एक्साइटेड? ओके, सो बेसिकली अभी हम सब जा रहे हैं, कीस कलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद अपने घर पे जाएंगे फर्स्ट विजिट करने। विल गो फॉर फ्यू आवर्स टुडे चेक करने, देन ऑब्वियसली बैक एंड फोर्थ हम लोग शिफ्टिंग स्टार्ट करेंगे। आपको दिखाते हैं ये जर्नी किस तरह जाती है। जो आई थिंक यू हैव टू ऐड, क्या बोलूं? यस, वेरी एक्साइटेड। अभी बहुत सारा सामान है जो शिफ्ट होना है, सो लेट्स सी हाउ इट गोस। सो इट्स वेरी विंडी टुडे, बहुत गंदा स्टॉर्म आया हुआ यूके में, बट वी आर ट्राइंग टू Wipe that. And this is Amber's. बहुत अच्छा हमारे साथ है, जा रहे हैं एंड हम पूरी कब्जा करने जा रहे हैं। ओके, सो वी हैव रीच्ड द स्टेट एजेंट, उसके बाहर हूँ, वॉक कर रहा हूँ और चाबी कलेक्ट करने जा रहा हूँ। एक्साइटेड एंड नर्वस एट द सेम टाइम, क्योंकि यू नो आप अब मूव हो रहे हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू नो एक नया चैप्टर स्टार्ट हो लाइफ में। तो चाबी लेंगे यहाँ से, बाकी लोग वहाँ घर के बाहर पहुँच गए हैं तो मैं हमारे वहाँ जाऊँगा सबको मेरी गाड़ी लेके। ऑलराइट, सो चाबी आ गई है हाथ में और बंद है अंदर एक एनवलप में एंड देन मैं जा रहा हूँ वापस गाड़ी में। वी हैव रीच्ड। अरे देख के देखिए, इधर आ जाओ। स्टे हियर। वेट। थैंक यू मम्मी। आ जाओ। तो एंटर हो गए हैं एलवी रूम में। चाबी इसकी चाबी होगी, एक इसमें बड़े खोल लो। ये गार्डन नमी भाई, गार्डन की चाबी कोशिश करा से खुलने की। हाँ ये वाला है ना, ये खोल दिया भाई, खोल दिया। दिस इज द गार्डन। यार फिट काम किया उसने, यार वेरी नाइस काम उसने, अच्छा किया, साफ भी अच्छा किया। सो अभी सब आए हुए मास्टर रूम में चेक कर रहे हैं। खैर अभी जब घर पूरा सेट होगा उसमें जरा दिखाएंगे। और वॉशरूम की कौन करेगा स्टार्टिंग? वॉशरूम की वो रिबन कट चुकी है। जो टाइम मिला है अकेले में जुम्मा के साथ, तो इज आवर हाउस, रहना होगा। तो ऐसा सब हम शिफ्टिंग स्टार्ट करेंगे, फौरन मूव नहीं होंगे हम। इट विल टेक फ्यू वीक्स फॉर अस टू ब्रिंग ऑल द स्टफ। इज आर एफ है जो गार्डन का पूरा मुआयना ले रहा है और रिव्यूज दे रहा है किस तरह हम लोग कर सकते हैं। इज वेरी गुड इन मैनेजिंग यू नो हाउस होल्ड एक्टिविटीज, तो थैंक यू फॉर दैट। सो वी हैव सेटल्ड इन, अब सब अपना कुछ बिजी हैं।
क्या कहते हैं, अब हम यहाँ पे फर्स्ट टाइम चाय बना रहे हैं किचन में, और यहाँ पे फुल रश लगा हुआ है सबका। और वो देखें पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई। आशु, यू लाइक द हाउस? यस। आर यू एंजॉयिंग? आई विल स्टे हियर। विल स्टे हियर? ओके। सो थैंक यू अम्मी, दुआएं आप लोग की सबकी, तो हम यहाँ तक पहुँचे। अब्बू को बहुत मिस कर रहे हैं, आज पूरा वक्त बड़ा सोच रहा था मैं। क्या कहना आपको, बताएं कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है कि बहुत बड़ी खुशी अल्लाह ताला ने दी है कि अल्लाह ताला इन बच्चों को बहुत खुशियों के साथ सब बच्चों को जिनकी ख्वाहिश है घर दिला दें, और ये बहुत बड़ी खुशी है जो यहाँ आके ज़्यादा महसूस हो रही है कि एक चीज़ अपने हाथ में अपनी चीज़ आई है। बस अल्लाह ताला खुश रखे तुम लोग को बच्चों के साथ। कुछ बच्चे पकड़े गए यहाँ पे, चार चार बैठे हुए छुपे हुए। ओके, लाइक के फुल मजा आए हुए आ जाएगा। सब ने घर में एंजॉय किया है मैकडॉनल्ड्स, और यहाँ पे किक्की जो है अपनी फर्स्ट घर की चाय बना रहा है। ढाबे से भी, ढाबे की भी चाय क्या होगी जो ये चाय लग रही है। आपको मिलाते हैं जेबी। सो बेसिकली इस पूरे प्रोसेस में जब से ये घर हाथ में आया है, इट वॉज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट जेबी मेड इट ईजी। इन्होंने बहुत हेल्प किया, बहुत सपोर्ट किया है, इन्होंने सबको समझाना किस तरह, यू नो पूरा जो होता है प्रोसेस घर लेने का। इट्स अल्लाह आपको ये घर रिसीव करे अच्छे से, आप इस घर में रहे, खुशियाँ आपको रिसीव हो इस घर की। आमीन। आपके अपने बच्चों की घर में पूरे करें, इससे फिर आपको नेक्स्ट लेटर पे अगले घर पे लेके जाए इंशाल्लाह जल्दी। थैंक्स ब्रो। सब यहाँ पे टी टाइम हो रहा है, सब एंजॉय कर रहे हैं बैठ के चाय और समोसे। और यहाँ पे आपको कराते हैं बात किक्की से, जिससे चाय बनाई आज की हमारी पहली घर की। बहुत मज़ा आ रहा है, फर्स्ट टाइम घर पे चाय पी के ये बना के, बहुत मज़े की चाय है। बहुत अच्छा माहौल हुआ है, सब लोग बैठे हुए हैं और मौसम भी अच्छा है, ठंडा सा है, तो गरम चाय का मज़ा है बहुत। थैंक यू, मैं भी दो चाय देखता हूँ। सारी बनाई आपने, थैंक यू फॉर द सपोर्ट एंड एवरीथिंग इन लाइफ। और आज यू नो बड़ी खुशी भी है, और यू नो आपको थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि लाइफ में ऐसा सपोर्ट किया आपने मुझे, तो उसके वजह से यू नो मैं स्टेज पे पहुँचा हूँ। अगला रुलाएगा क्या? थैंक यू वेरी मच अहमद। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू अल्लाह, एंड सेकेंड ऑफ ऑल यू नो मार्वलस एफर्ट बाय अहमद। माशाल्लाह से बहुत प्यारा घर है, अपने बलबूते में खुद लिया है, और हाई विकम शिफ्ट हुआ है, काफ़ी अच्छी जगह लगती थी इसको शुरू से बचपन से, अब जो है ये हाई विकम में रहेगा। तो माशाल्लाह से बहुत प्यारा घर है, और बहुत मज़ा आ रहा है हम लोगों को, और हम लोग खाना पीना कर रहे हैं, बच्चों ने बाट लगाई हुई है। तो बट ऑल द बेस्ट इंशाल्लाह, मेनी मोर टू कम, दिस इज जस्ट द बिगनिंग इंशाल्लाह। अल्लाह इसको मुबारक करे, अल्लाह इसको खुश रखे। आमीन। अब वी आर एंजॉय हियर, आगे बड़ा मजा आया यहाँ पे, सब एंजॉय किया हम लोगों ने, इधर आगे समोसे खाए, चाय पी, अब हम लोग आपकी बाबा सारी कर रहे हैं। थैंक यू। तो फाइनली आप लोग घर छोड़ रहे हैं, अब हम लोग का यहाँ पे चक्कर लगता रहेगा। काम बहुत है, अभी हम लोग घर पे आए हुए हैं कुछ चीज़ें सेट करने, और बच्चे हमारे साथ आए हुए हैं, तो और बेसिकली एक बार हम घर पूरा सेट कर देंगे, देन वी विल शो यू गाइस कंप्लीट हाउस, विल गिव अ कंप्लीट टूर ऑफ द हाउस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।